अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम एस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम 1.24, 1.24। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डीजे ग्रिफ्थ की बुक फोर्थ एडिशन से है। थर्ड और फोर्थ एडिशन की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट आगे पीछे हैं, तो ये फोर्थ एडिशन का प्रॉब्लम है 1.24। डिराइव द थ्री क्वेश्चन रूल हमने डिराइव करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रूल सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रूल हमारे पास क्या है, डेल एफ ओवर जी, ये ग्रेडियंट हमने लेना है। दूसरा हमारे पास क्या है, डेल डॉट एंड ए ओवर जी, ये हमारे पास डाइवर्जेंस है। और तीसरा हमारे पास कर्ल है, डेल क्रॉस ए ओवर जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने लेना है, क्योंकि वाई और जी के लिए ये फिर सेम होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास क्या है, डेल इंटू एफ ओवर जी, डेल की वैल्यू हम लिखते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पार्शल पार्शल एक्स एक्स हेट प्लस पार्शल पार्शल वाई वाई हेट प्लस पार्शल पार्शल जी जी हेट आ जाएगा, इंटू एफ ओवर जी आ जाएगा। अब हमारे पास क्योंकि ये ग्रेडियंट है, तो हमारे पास अलहदा अलहदा हर एक के लिहाज से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी पार्शियल पार्शियल एक्स एफ और जी एक्स हेड प्लस पार्शियल पार्शियल वाई एफ और जी वाई डायरेक्शन में प्लस पार्शियल पार्शियल जी एफ और जी जी डायरेक्शन में। अब ये हमारे पास जो कोशेंट बन रहा है पार्शियल पार्शियल एक्स एफ ओवर जी, ये हमारे पास डेरिवेटिव लेने का क्या फार्मूला होता है, ये साइड पे हमने जनरल फार्मूला लिखा है मैंने, ये डी ओ डी टी इंटू एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर आ जाता है डिवाइड में, यानी नीचे वाई इंटू डी ओवर डी टी एक्स माइनस एक्स डी ओवर डी टी वाई आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये कोशेंट रूल का हमारे पास फार्मूला है जिस तरह हम सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो डिवाइड में होते हैं ऊपर जी जी का स्क्वायर आ जाता है, ऊपर जी पार्शियल पार्शियल एक्स एफ माइनस एफ पार्शियल पार्शियल एक्स जी एक्स डायरेक्शन में प्लस ये हमारे पास वाई के लिहाज से अब डिवाइड हो रहा है सेकेंड, तो ये अब हम वाई के लिहाज से कर लेंगे सेम, बाकी उसी तरह आ जाएगा, यानी जी स्क्वायर जी पार्शियल पार्शियल वाई एफ माइनस एफ पार्शियल पार्शियल वाई जी वाई डायरेक्शन में। सिमिलरली हम जी डायरेक्शन में कर लेंगे, जी स्क्वायर आ जाएगा जी इंटू पार्शियल पार्शियल जी एफ माइनस एफ पार्शियल पार्शियल जी इंटू जी और जी डायरेक्शन में, तीनों हमारे पास सेम आ जाए, सिर्फ पार्शियल चेंज होगा, बाकी हमारे पास वही चीज उसी तरह आएगी। अब हम क्या कर लेंगे, सॉरी अब हम क्या कर लेंगे, जो हमारे पास जो डिवाइड में वन और जी स्क्वायर आ रहा है, जी स्क्वायर ये वाला ये और ये हम कॉमन ले लेंगे सारे में से। अभी हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या, ये वाली चीज हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया, अभी ऊपर टर्म है देखो इनके साथ जी, इस टर्म के साथ भी जी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस टर्म के साथ भी जी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अब हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे इनमें से जी। तो हमारे पास एस से जी कॉमन लेंगे तो पार्शियल और पार्शियल एक्स एफ एक्स डायरेक्शन में, फिर ये वाई वाले डायरेक्शन में है जी, ये कॉमन आ जाएगा पार्शियल पार्शियल वाई एफ आ जाएगा, ये वाली टर्म वाई डायरेक्शन में, सिमिलरली जी डायरेक्शन में ये आ जाएगा, जी हमने कॉमन लिया पार्शियल पार्शियल जी इंटू एफ आ जाएगा माइनस। अब देखो जो दूसरे सेकंड टर्म है जिसके साथ एफ मल्टीप्लाई हो रहा है ये और ये, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस के साथ आ रहा है, तो इसमें एफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो एफ हम कॉमन ले लेंगे, इससे हम एफ माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, पार्शियल पार्शियल एक्स जी जो कि हमने ये लिखा है एक्स डायरेक्शन में, इससे हम कॉमन लेंगे माइनस एफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पार्शियल पार्शियल वाई जी वाई डायरेक्शन में, अंदर साइन हमारे पास प्लस का आता जाएगा प्लस, इसमें हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पार्शियल पार्शियल जी इनटू जी जी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये देखो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, वन ओवर जी स्क्वायर इंटू जी, अब ये देखो क्या है पार्शियल के लिहाज से एफ, एक हमारे पास डेल की वैल्यू है यानी पार्शियल पार्शियल एक्स पार्शियल पार्शियल वाई पार्शियल पार्शियल जी जी डायरेक्शन में, और दूसरा हमारे पास क्या है एफ है सारे के साथ देखो, तो ये हमारे पास ये जी और ये पार्शियल किस टर्म में जो आ रहा है वो डेल आ जाएगा एफ, फिर ये साइन माइनस का आ रहा है माइनस और ये एफ आ रहा है तो एफ लिख लेंगे। अब हमारे पास पार्शियल और पार्शियल एक्स पार्शियल पार्शियल वाई और पार्शियल पार्शियल जी के साथ कौन सा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एफ डेल जी आ जाएगा। तो ये हमने प्रूव करना था फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो ग्रेडियंट का था, तो ये हमारे पास यहाँ से प्रूव हो जाता है कि डेल इंटू एफ और जी इज इक्वल टू जी डेल एफ माइनस एफ डेल जी, ये जी स्क्वायर हमने होल पे डिवाइड कर लिया मल्टीप्लाई हुआ है तो जी स्क्वायर, हेंस ये प्रूव हो जाता है। दूसरा हमारे पास इसमें क्या है, जो हमारे पास
डाइवर्जेंस कह रहे हैं डेल डॉट ए ओवर जी है, डेल डॉट ए ओवर जी हम क्या कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट है तो पहले हम पार्शियल की वैल्यू लिख लेंगे, डेल की वैल्यू लिख लेंगे, पार्शियल पार्शियल एक्स एक्स हेड प्लस पार्शियल पार्शियल वाई वाई हेड प्लस पार्शियल पार्शियल जी और जी हेड डॉट ए ओवर जी। अब ए ओवर जी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और ए को हम कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे यानी ए एक्स ए वाई ए जी। तो इसके लिए आज से हम फिर इसका क्या लेंगे डेरिवेटिव यानी पार्शियल और पार्शियल एक्स ए एक्स और जी प्लस पार्शियल पार्शियल वाई ए वाई और जी प्लस पार्शियल पार्शियल जी ए जी और जी, ए को हमने कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब हम देखो हमारे पास जैसे पहले क्वेश्चन में ऊपर वाले पार्ट में कंडीशन आई थी पार्शियल पार्शियल एक्स ए एक्स जी यानी क्वेश्चन टू का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वही आ जाएगा यानी जी स्क्वायर जी पार्शियल पार्शियल एक्स ए एक्स ए एक्स पार्शियल पार्शियल एक्स जी है। अब यहाँ हमारे पास देखो ऊपर उसमें हमारे पास एफ था, यहाँ हम ए लिख रहे हैं एक आइटम ए एक्स ए वाई ए जी, दूसरा हम वाई के लिहाज से उसी तरह आ जाएगा जी स्क्वायर जी पार्शियल पार्शियल वाई ए वाई माइनस ए वाई पार्शियल पार्शियल वाई जी प्लस सिमिलरली जी के लिहाज से आ जाएगा जी स्क्वायर आ जाएगा ये जी पार्शियल पार्शियल जी ए जी माइनस ए जी पार्शियल पार्शियल जी जी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास उधर ऊपर उसमें हमारे पास पार्ट में एफ आ रहा था, यहाँ हमारे पास ए एक्स ए वाई और ए जी आ रहा है, बाकी हमारे पास सेम है। उसी तरह हम क्या कर लेंगे जो जी स्क्वायर है वो कॉमन ले लेंगे। अब पहले टर्म जो को इसके साथ जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ, तो ये तीनों में से हम जी कॉमन ले लेंगे जिसको मैंने ये टेक के निशान दिए हैं, जिसमें से हम जी कॉमन ले लेंगे। जी कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा पार्शियल और पार्शियल एक्स ए एक्स बच जाएगा, इधर हम जी कॉमन लेंगे तो पार्शियल और पार्शियल वाई ए वाई और यहाँ पे हमारे पास पार्शियल और पार्शियल जी ए जी आ जाएगा। अब हम माइनस साइन लेंगे, ये दूसरी टर्म में से कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास देखो ए एक्स है ए वाई है और ए जी है, तो इसमें हमारे पास कोई चीज भी कॉमन नहीं आ रही, तो सिर्फ हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास ए एक्स पार्शियल पार्शियल वाई जी ए वाई पार्शियल पार्शियल वाई जी और ए जी पार्शियल पार्शियल जी और जी आ जाएगा। तो ये अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वन ओवर जी स्क्वायर ए जी स्क्वायर आ गया जी और ये हमारे पास क्या है देखो हर एक के साथ अलहदा अलहदा ए एक्स ए वाई ए जी यानी सेम एक टर्म नहीं है, यानी सिर्फ ए नहीं है या जी नहीं है, तो ये हमारे पास डॉट में आएंगे। तो इस तरह हमारे पास चीज के लिए क्या आएगा हर एक के लिहाज से अलग था, जैसे ऊपर हमारे पास सिर्फ जी था या एफ था तो हमने क्या लिखा था डेल जी लिखा था या डेल एफ था, डॉट प्रोडक्ट उसमें नहीं था, तो इसमें क्योंकि अलग अलग थे डेल डॉट जी माइनस ये सिमिलरली ये ए एक्स ए वाई ए जी, तो उसी तरह ए डॉट ये हमारे पास डेल जी इन टर्म ऑफ जी आ जाएगा डिवाइड बाई जी स्क्वायर। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन रूल जो है इसका प्रूव हो जाता है। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन रूल क्या है कर्ल का है डेल क्रॉस into a over g del in term of x, ये सर हम in term of x ले रहे हैं, बाकी x और y और g के लिए भी इसी तरह सेम होगा, उसकी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जनरल है, हमने जनरली प्रूव करना है। तो डेल क्रॉस ए और जी इंटू इन टर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिहाज से लेंगे एक्स हेट वाई हेट जी हेट आ जाएगा, पार्शियल पार्शियल एक्स वाई के लिहाज से पार्शियल पार्शियल वाई और जी के लिहाज से पार्शियल पार्शियल जी। अब एक्स कंपोनेंट के नीचे डायरेक्शन के नीचे एक्स वाली कंपोनेंट यानी ए एक्स और जी, फिर y के लिहाज से ए वाई और जी, वाई को हमने कंपोनेंट में दोबारा चेंज किया ए एक्स ए वाई और ए जी को, तीन कंपोनेंट ठीक है, और ए जी और जी आ जाएगा यहाँ पे। अब डॉट प्रोडक्ट लेने का क्या तरीका होता है, ये हम पहले रो और पहली कॉलम छोड़ देते हैं तो हमारे पास x और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों को बीच में माइनस आ जाता है, अब पार्शियल और पार्शियल y ए जी y ये उसी तरह आ जाएगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस पार्शियल पार्शियल जी इंटू ए वाई और जी आ जाएगा, फिर माइनस का साइन आएगा। अच्छा ये देखो हमने सिर्फ एक्स के लिए लिहाज से लिया तो सिर्फ हम वही कंपोनेंट वाले कर रहे हैं, अगर वाई और जी के लिहाज से भी लेते तो ये हम ये रो कॉलम और ये रो छोड़ देते तो हमारे पास ये वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और ये वाले आपस में, वो जस्ट क्योंकि जनरल है तो सिर्फ हमने एक पार्ट का लेना है, इधर हमने स्पेसिफाई किया है कि सिर्फ हम एक्स का ले रहे हैं, तो आपने जो ये लेना है क्रॉस प्रोडक्ट भी लेना है तो वो सिर्फ एक्स के लिहाज से लेना है, वाई और जी के लिहाज से तीनों के लिहाज से भी ले सकते हैं मगर वो बहुत लेंथी हो जाएगा, हम अपने आसानी के लिए क्योंकि जनरल कर रहे हैं
तो वो हम यहाँ सिर्फ एक्स के लिहाज से ले लेंगे। आंसर में हम लिख सकते हैं फिर वाई और जी के लिहाज से भी, क्योंकि वो सेम आएगा, सिर्फ वाई और जी चेंज होंगे, ठीक है। मगर हम एक्स के लिहाज से ले रहे हैं तो हमने सिर्फ एक्स के लिहाज से कंटिन्यू करना है, हमने फिर सेम लिख देना है फॉर वाई एंड जी। तो ये हम एक्स के लिहाज से ये आ जाएगा। अब देखो ये हमारे पास पार्शल पार्शल वाई ए जी ऑन टू जी आ जाएगा ये वाली, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है तो हम डायरेक्शन हटा देंगे, यहाँ पे पता है कि हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन ली है। तो ये हमारे पास वही जो पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में आया था वही क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला डेरिवेटिव का आएगा, जी स्क्वायर जी पार्शल पार्शल वाई ए जी माइनस ए जी पार्शल पार्शल वाई जी आ जाएगा। माइनस सिमिलरली इसके लिए भी ये आ जाएगा, जी स्क्वायर जी पार्शल पार्शल जी ए जी माइनस ए वाई माइनस ए वाई पार्शल पार्शल जी जी ये आ गया। ये हमने दोनों में से क्या जो जी स्क्वायर है नीचे आ रहा है ये हमने कॉमन ले लिया, और ये पहले टर्म में और इसके पहले टर्म में ये वाले टर्म में, और ये हमने उसी तरह सिमिलर जैसे हमने पार्ट वन और पार्ट टू में किया था, तो हमने जी कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास पार्शल पार्शल वाई ए जी बच गया, उसमें से जी कॉमन लेंगे तो हमारे पास पार्शल और पार्शल ए जी ए वाई बच गया। अब ये हमारे पास दूसरे टर्म में माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास उसी तरह आ जाएगा, इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, तो ए जी पार्शल पार्शल वाई जी माइनस ए वाई पार्शल पार्शल जी जी आ जाएगा। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया, ये जी स्क्वायर आ गया नीचे हमने, और ये जी हमारे पास ये आ गया। ये हमारे पास देखो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ये ए के लिहाज से अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास जैसे ऊपर हमने लिया है तो ये वही चीज आ गई, यानी डेल क्रॉस ए एंड टर्म ऑफ एक्स प्लस ही हमारे पास क्या आ गया ए। देखो ए जी और ए यानी दोनों ए के कंपोनेंट पहले आ रहे हैं, देखो इसमें हमारे पास डेल के कंपोनेंट पहले आ रहे थे, ए जी और ए वाई के कंपोनेंट इन टर्म ऑफ एक्स बाद में आ रहे थे, इसमें ए जी पहले आ रहा है, और जो दूसरी हमारे पास है वो हमारे पास बाद में आ रहे हैं, तो ये हमारे पास ए क्रॉस डेल जी आ जाएगा इन टर्म ऑफ एक्स। नीचे हमारे पास ए और जी जी स्क्वायर आ जाएगा, इधर आई थिंक माइनस है बाय मिस्टेक लिखा गया है, तो ये हमारे पास क्या है डिवाइड बाय जी स्क्वायर, ये माइनस है, ये डिवाइड बाय जी स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो ये सेम हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर हमारे पास जो वाई और जी है उसके लिए भी हमारे पास क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जिसमें हमने क्वेश्चन रूल को प्रूव करना था। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से कोई मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आज के लिए इतना काफी, नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।